नमस्कार मित्रों, मैं रिकी ग्रैंड मास्टर मनीष शर्मा और आज हम बात करेंगे टेलकेनाइसिस के द्वारा कैसे, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने बताया था, आप अपने जीवन में टेलकेनाइसिस का सिंपल तरीके से उपयोग करके कैसे दूसरी वस्तुओं का सहारा ले सकते हैं, दूसरी वस्तुओं की हेल्प ले सकते हैं। कोई भी वस्तु हो, आपका घर, आपकी दुकान, फैक्ट्री, आपका कारोबार, आपकी जॉब या आपका मोटरसाइकिल, आपका कार, कुछ भी हो, हर चीज आपको हेल्पफुल हो सकती है। ये हर चीज इस प्रकृति में जागृत है, जीवंत है। तो वो पिछली वीडियोस में हो गया था और आज हम बात करेंगे कैसे किसी भी वस्तु को आप मूवमेंट दे सकते हैं। यानी कि यहां पे अगर बॉल पड़ी है, यहां पे अभी समझ लो कि ये बॉल है, तो इसको देखते देखते मैं एक जगह से कैसे दूसरी जगह आगे पीछे इसको मूव करवा सकता हूं। तो ये टेलकेनाइसिस होगी। टेलकेनाइसिस के द्वारा दूसरी वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम, उसको हम टेलकेनाइसिस कहते हैं। यानी कि जो माइंड टू माइंड एक जीवंत मनुष्य के ऊपर प्रयोग किए जाते हैं, उसको टेलीपैथी कहते हैं। टेलकेनाइसिस वो हो गई जिसको हम स्थूल वस्तुएं कहते हैं, आपका घर, फैक्ट्री, दीवार, कुछ भी हो, उसको उसके साथ में एक गहरा कनेक्शन जोड़ के उसको मूवमेंट देना, उसी वस्तु को एक से दूसरी जगह पहुंचा देना, ये टेलकेनाइसिस का प्रयोग होता है। हमारे दिमाग में इतनी शक्ति होती है, इतनी शक्ति होती है कि आप सिंपल भाषा में ये समझ लें कि यदि ऊपर भगवान शिव बैठे हैं, उनके बाद सेकंड शिव है, तो वो एक मनुष्य ही है, उसका अवचेतन मन है। इतनी ज्यादा शक्तियां हम में पड़ी हुई हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अवचेतन मन में। उन्हीं शक्तियों का उपयोग करने का काम जो है वो टेलकेनाइसिस के द्वारा होता है। टेलकेनाइसिस के द्वारा ही सभी शक्तियों का हम उपयोग करते हैं। कैसे करेंगे, आप सिंपल तरीके से इसको समझें। शायद आप लोगों ने कुछ वीडियोस देखी होगी, आपको जरा करके बताता हूं कि एक पीछे वीडियो वायरल हुई थी कुछ समय पहले, कुछ बच्चे, एक पूरी क्लास थी, उस पूरी क्लास को ट्रेंड किया गया था कंटिन्यूस, क्योंकि बच्चे बड़ी जल्दी इन चीजों में सक्सेसफुल हो जाते हैं। बड़े के लिए सक्सेसफुल करने होने के लिए काफी मेहनत लगती है, लेकिन बच्चे बड़ी जल्दी हो जाते हैं। उनके दिमाग में कचरा नहीं होता, क्लियर फोकस होता है। अर्जुन की तरह जो भी देखते हैं वो क्लियर देखते हैं और क्लियर अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सौम्य होते हैं, सरल होते हैं, इसलिए उनको भगवान कहते हैं बच्चों को। तो कैसे वो एक वस्तु को दूसरी जगह पहुंचा पाते हैं, वो वीडियो मैंने भी एक देखी थी, उसमें इस तरह से पूरी क्लास ने चम्मच पकड़े हुए थे, चम्मच पकड़े हुए थे। तो आप कैसे करेंगे, चलो ये तो आपको प्रयोग के लिए बता रहा हूं, और आप इस तरह से बहुत सारे उपयोग कर सकते हैं। जैसे तो उन्होंने इस तरह से चम्मच पकड़े हुए थे और दिमाग में क्या करना होता है, आप भी एक चम्मच, लेकिन आप शुरुआत चम्मच से नहीं करेंगे। तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, आप एक सपाट जगह होनी चाहिए, बिल्कुल चिकनी जगह, उसके ऊपर एक हल्की बॉल, एक हल्की बॉल इस तरह से रख लेंगे। जैसे ये एक सपाट टेबल है या फर्श है, कुछ भी है, उसके ऊपर साफ सुथरा करके, बिल्कुल एक मिट्टी का कंकर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको एकदम से हर सक्सेस नहीं मिलती, धीरे धीरे आपको जरा लगातार इसके ऊपर करना पड़ता है। जो लोग मेडिटेटर होते हैं, मेडिटेशन करने वाले होते हैं, ध्यान करने वाले होते हैं, भजन पाठ पूजा किसी भी तरह से कोई आध्यात्मिक होता है, उनके अंदर ये शक्तियां जल्दी जागृत हो जाती हैं। आपको उस जगह पे इस तरह से बॉल को रख देना, बॉल हल्की होनी चाहिए, वो भारी वाली आपने नहीं लेनी है, बिल्कुल सिंपल, हल्की से हल्की जो मिल जाए आपको, उसको इस तरह से आप रख लेंगे। और उसके ऊपर लगातार, क्योंकि सारी गेम आपकी एकाग्रता की है, जब आपकी एकाग्रता इसके साथ एक हो जाएगी, आप अपलक यानी कि बिना पलकों को झपके उसको लगातार देखते हुए, लगातार देखते हुए एक ही थॉट देंगे, तो आपका अवचेतन मन काम करना शुरू कर देगा। अभी आप चेतन मन से काम कर रहे हैं, यहां से खोपड़ी से सारा काम कर रहे हैं, लेकिन जब आप गहराई से करने लगेंगे तो सारा काम गहराई से होने लगेगा। तो इस बॉल को इस तरह से देखते हुए लगातार कि ये बॉल चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, आप पाएंगे
एकदम से एक ही दिन में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली, तो धीरे धीरे होगा। कैसे करेंगे उसको, लगातार आपको माइंड में यही रखना है, बॉल को बिना पलक झपते हुए कोशिश करनी है। पलक ना झपके, झपक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आपके एक दो दिन फालतू लग जाएंगे, इतना ही होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो आप उसको लगातार देखते रहेंगे और बोलेंगे कि बॉल आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है। कुछ दिन आपको प्रयोग लगातार करते रहना है। रोज कितनी देर करना है, 15 मिनट आप रोज कर सकते हैं। साथ में मेडिटेशन करें और त्राटक कर सकते हैं। एक दीवार के ऊपर ऐसे बिंदु बना लेंगे, उसको लगातार देखना है, लगातार देखना है। त्राटक के ऊपर वीडियो बनाऊंगा कैसे उसको लगातार देखना है। तो इसको बॉल को मैं देखता हुआ यही बोलूंगा कि ये आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक दिमाग में नक्शा बनाऊंगा कि ये बॉल इस तरह से चल रही है। मैं अपनी कल्पना में देखता रहूंगा कि बॉल इस तरह से आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है। जो आपने वीडियोस देखी होगी, बच्चे चम्मच को कैसे मोड़ देते हैं खाली दिमाग से ही, बिना छुए उसको, एक ही हाथ में पकड़े पकड़े वो चम्मच बिल्कुल इस तरह से हो जाते हैं। वो कैसे करते हैं, अब चेतन मन आपका काम करने लगेगा। तो आपको लगातार देखते हुए उसको थॉट देना कि ये बॉल आगे की तरफ जा रही है, फिर पीछे आ रही है, फिर आगे जा रही है, पीछे आ रही है, या आगे की तरफ ही जा रही है। अगर आप इसको लगातार करते रहेंगे, एक दिन में तो होगा नहीं, जब आप लगातार करते रहते हैं तो आपका अवचेतन मन का द्वार खुल जाता है। और अवचेतन मन की शक्ति इतनी है कि आप जब करेंगे तो समझेंगे धीरे धीरे ये ऊर्जा कितनी भी आगे तक बढ़ाई जा सकती है। मैंने एक साधु बाबा देखे, वो साधु बाबा आजकल वो नौटंकी में चले गए एक तरह से, क्योंकि उन्होंने संसार त्याग किया था परमात्मा को पाने के लिए। और जैसे ही थोड़ी अवचेतन मन की शक्तियां जगी तो वो इस तरह के प्रयोग दिखाने लगे कि यहाँ पे एक दीवार पे फोटो लगी है, वो इस तरह से हाथ करते हैं और फोटो उनके हाथ में आ जाती है। उन्होंने ये ड्रामा शुरू कर लिया, चले थे भगवान की तरफ और पहुंच गए कहीं और ही। तो इस चक्रों में जो उलझ जाते हैं वो साधक नहीं रहते। जो लोग साधक हैं वो थोड़ा इसको अपने माइंड की शक्तियों को समझने के लिए उपयोग कर सकते हैं। साधारण लोग इसको कैसे भी करें, धीरे धीरे आपको कुछ ही दिन में, टाइम पीरियड अलग अलग होता है, कोई एक ही दिन में भी सक्सेसफुल हो जाएगा, किसी को 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। कोई किसी की कल्पना शक्ति या जिसको कहते हैं एकाग्रता वो बहुत कम हो, उसको तो टाइम थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। महीना 2 महीने में तो हर व्यक्ति को आराम से सफलता मिल जाती है। तो ये होती है टेलकिनेसिस। धन्यवाद, नमस्कार।